साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार, खतियानी जोहार। साथियों आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम आंदोलनकारी का बेटा है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम झारखंड आंदोलनकारी का बेटा है। झारखंड बनाने में कितना गवाया हमको मालूम है, लेकिन ये विनोद बिहारी महतो खाटी झारखंड आंदोलनकारी है। शिव सोरेन को आंदोलनकारी बेटा है कि वो आदमी बाहरी यूपी बिहार बंगाल के घेरे में पड़ गया। बाहरी आदमी हेमंत सरकार को घेरे हुए है। हाँ, वही वो नहीं चाहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो नहीं चाहता है कि पारा टीचर को, वो नहीं चाहता कि पारा टीचर को हक और सम्मान मिले। झारखंड में किसी चीज का कमी नहीं है। हम कहते हैं कि देश के अंदर किसी विधानसभा का सदस्य को जितना वेतन नहीं मिलता है, उतना झारखंड का MLA लोग को मिलता है। सच्चाई है। झारखंड का MLA फ्लैट में जितना फर्नीचर में लगता है सालाना, उतना आपको मानदेय नहीं मिलता। मोबाइल खर्चा तो छोड़ दो, चाय खर्चा छोड़ दो, हवाई जहाज छोड़ दो, क्या बोलता है इतना छूट है, इतना छूट है कि सरकार के MLA लोग यदि चाह ले ये को जो सुविधा खाली छोड़ दे, हमको लगता है झारखंड का 65,000 को वेतन मिलेगा। आप जोड़िए ना कितना विधायक है, एक विधायक पर कितना खर्चा है। हम तो पहले भी बोलते थे जब गिरिनाथ कमेटी बना था, उस समय कमेटी बना था तो हमारा साथी लोग नहीं माने। इस बार माननीय शिव सोरेन जी जब चेयरमैन थे, जब बीजेपी का सरकार बना ही मुंडा जी या कोई चेयरमैन थे, एक दिन सिकंदरी घाटी में भेटा गया। सिकंदरी घाटी आप देखे हैं जी, बैठ जाइए बैठ जाइए। हमारा भाषण सुनिए, चौगा फोगा नहीं रखना है, चौगा का बात है। माननीय हेमंत सोरेन जो हेमंत सोरेन का पिताजी शिव सोरेन, दिशम गुरु शिव सोरेन बोले थे विनोद क्या चाहिए, देर पूर्वक मेरा सरकार बने तो वेतन मान देंगे रे बोका। ना सुनबे की तो है बाबू, सुनने सुनने 15 साल पहले बोलो, 14 साल पहले शिव सोरेन सिकंदरी घाटी में, मतलब कर गाड़ी खराब हो गई रहे, तब तक जा रहे थे बेटा, राइफल धारी घेर लिया, हम कह हम साला MCC से भेंट हो गया, कार्रवाई सर ने तो जान नहीं मेरा। बोला एक गुरु जी हैं, हमने गुरु जी को बोलो विनोद बिहारी है, झारखंड में एक विनोद बिहारी को विनोद बिहारी मर गया। नहीं सच्चाई ना, विनोद बाबू को जेम को पैदा किए थे, मर गया दूसरा विनोद बिहारी झारखंड में, फोटो उछाले नहीं बाहर गया मरा। तो फिर मिलने दिया कि अपना विनोद बाबू दादा जिला कमेटी मीटिंग हो रहा है, या पर अगर पूर्वक सरकार बने तो परमानेंट। अब संजोग से शिव सोरेन सिलसिले से मतलब अस्वस्थ रहते। अब हेमंत सोरेन जब बन गया तो इतना घेरल है खाली यूपी बिहार बंगाल, मत बोलिएगा विनोद जी बोलता है कोई श्रीवास को जी, कोई पंडित जी, कोई पाठक जी, नहीं तकलीफ मत मानिएगा। झारखंड का पे पांडे जी रहता हम ना, झारखंड का लाला रहता हम ना, झारखंड का महतो रहता हम ना, झारखंड का मीना रहता हम ना, झारखंड का मांझी रहता हम ना, सब बिहारी और बाहरी आदमी हम बोलते हैं। हेमंत सोरेन का बाप मेरा बड़ा भाई, वो मेरा भतीजा, भतीजा हेमंत सोरेन मेरा भतीजा है, 16% मेरा घर है, प्रदेश का लीडिंग तो पूरा 20 साल से हम कर रहे हैं, सच्चाई तो बोलना पड़ेगा विकास। झारखंड सरकार में ये औकात और हिम्मत नहीं है, हमारा 65,000 परिवार को खड़ा सड़क जाएगा। हेमंत सोरेन हजार बार सोचेगा शिक्षा विभाग, ये 65,000 परिवार जिसमें सिंटू सिंह है, संजय दुबे है, विकास चौधरी है, जिसमें ऋषिकेश पाठक है, जहाँ बेलाल है, जहाँ सुशील पांडे है, जहाँ निरंजन डे है, पूरा जहाँ विनोद तिवारी है, जहाँ नरोत्तम मुंडा है, जहाँ बैजनाथ महतो है, जहाँ अभिलाषा जा है, जहाँ मेरी बहन लुकस है, सबका नाम नहीं ले सकता। सरकार हजार बार सोचेगा किस भीड़ का अगुवाई करने वाला मेरे को विनोद बिहारी महतो है, लाठी डंडा चलाने का औकात नहीं है। तो बोलेगा नहीं औकात है, अंदर का खबर है कि लाठी डंडा मत चलाना, विनोद बिहारी को रिपोर्ट।
को बोलेंगे भैया टेंट दे देना, टेंट में खर्चा होगा, जो तिरपाल दे देना, गांव जंगल में रहने वाला आदमी है, रहने का सामान दे देगा, और सरकार का इज्जत और पानी और मान सम्मान बढ़ाना है तो कुछ खाना पीना दे देना, लेकिन कल तो भैया हम काला झंडा लेकर जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सकता है क्या नहीं, इसलिए डरने का जरूरत नहीं है। ये सरकार हजार बार नहीं सोचेगा कि जिस भीड़ में विनोद बिहारी है वहाँ एक लाठी डंडा को खरोंच नहीं लगेगा। एकदम निडरता के साथ रहो, जिंदा रहो। तो सर आप बताइए, अभी जो प्रशासनिक विभाग द्वारा आप लोग समझाने 3 दिवसीय शिवम आवास घेराव कार्यक्रम में है, जब तक वेतन मान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे। हम लोग विगत 20 वर्षों से इस उम्मीद और आशा से कार्य कर रहे हैं कि हम लोगों को वेतन मान मिलेगा। पिछले हेमंत सोरेन सरकार का कहना था कि मेरी सरकार बनेगी तो 3 माह के अंदर आपको वेतन मान देंगे। आज 4 साल पूरा होने वाला है लेकिन आज तक हम लोगों को वेतन मान नहीं मिला है। झूठा आश्वासन बार बार मिलता है, इस बार हम लोग पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। जी ये लिखित आश्वासन भी हम लोग को डेट समय लिखित नहीं था, इसलिए हम लोग इस आश्वासन को नहीं माने। चलिए इस तरह से देख रहे हैं गाइस कि आप सभी लोग फिर से पुनः यहाँ पर बैठ गए। बरहेट के हमारे सभी पारा शिक्षक साथी यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, जब तक वो हमसे आश्वासन नहीं देते हैं और उनसे कम वार्ता में हम लोग मन लेने चाहते हैं, फिर अधिकारी के पास वार्ता होगी, फिर वही होंगे कि ये समस्या मुख्यमंत्री के पास है और इसमें मुख्यमंत्री से वार्ता करें। हम लोग शांति पूर्वक यहीं बैठेंगे और जब तक मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं होगा हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। दिनांक पत्रक भी नहीं है इस चिट्ठी में, दिनांक पत्रक मोहर कुछ नहीं है और बराबर हम लोग को धोखा दे रहा है। अब एक ही नारा रहेगा, न्याय करो या मार दो, न्याय करो या मार दो, दूसरा कुछ चलेगा नहीं। जय हिंद। लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। प्रशासन जिंदाबाद बोलो, प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आवाज तो हम एक है, एक है, आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। तो सब आवाजों को जिंदाबाद।